रिकॉर्डिंग पे तो डाल ही देते हैं। चलिए, तो अभी तक अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे गुलकंद बनाने तक की बात हमारी हो गई है। और हाँ, ड्राइड रोज पेटल्स को पंखुड़ी कहते हैं और प्रिपेरिंग कूल ड्रिंक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। चलिए भाई, हाँ, ऑप्टिमम यील्ड ऑफ कट रोजेस, कट रोजेस की ऑप्टिमम यील्ड कितनी होती है? ऑप्टिमम यील्ड होती है ग्रीन हाउस में यदि हम बात करें तो 150 से लेकर 200 स्टेम पर मीटर पर स्क्वायर इसकी यील्ड होती है। लूज बबल की बात करें तो सीधी सी बात है, देखो ग्रीन हाउस में जब हम कट की बात करेंगे तो वो स्टेम्स में गिना जाएगा, बिकॉज हम उसको फ्लावर को स्टाक के समेत यहाँ से कट करते हैं, और लूज फ्लावर में सिर्फ फ्लावर हम वहां पर कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ पर एक फ्लावर लगा, तो इनकी जो यील्ड होती है वो टन में किलोग्राम में इस तरीके से मापी जाती है। कट रोजेस की मिनिमम वेस्ट लाइफ, देखो कट फ्लावर की होती है वेस्ट लाइफ और लूज फ्लावर की होती है सेल्फ लाइफ, तो ये ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, बस ज्यादा ध्यान नहीं रखना। 12 डेज होती है वेस्ट लाइफ, यानी कि कट फ्लावर को यदि हम काट के रोज को यहां से हम यदि कट करके रखें तो लगभग 12 दिन तक ये फ्रेशनेस में रह सकता है, फ्रेश थोड़ा सा रहेगा। इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोजेस IRR, ये है आपका यूएसए में। नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोजेस NRAR, ये है अपना न्यू दिल्ली में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है क्यों, क्योंकि न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, पूछा जा सकता है। द रोजेस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये है हमारा न्यू दिल्ली में, रोजेस सोसाइटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, एंड साथ ही साथ NRAR नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ रोजेस, ये भी अपना न्यू दिल्ली में। आगे चलिए, हम आगे बात करें, एशिया का लार्जेस्ट रोज गार्डन है जाकिर हुसैन रोज गार्डन, कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग घूमकर भी आए हो, बट उसका नाम देख लेना कि जाकिर हुसैन है। अब चंडीगढ़ यहाँ पे हरियाणा लिखा हुआ है, वैसे चंडीगढ़ एक अपना खुद स्टेट है, तो चंडीगढ़ हरियाणा लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट हैबिट रोज कौन सा था? लॉ फ्रांस था। किसने डेवलप किया था? गुइलोट ने फ्रांस में 1867 में, तो देखो गुइलेट ने किया था कहां पे? फ्रांस में, इसलिए इसका नाम रखा गया लॉ फ्रांस। फर्स्ट येलो परनेट रोज किसने डेवलप किया था? परनेट ड्रूचर ने, इसलिए इसका नाम रखा गया येलो परनेट। पहला पॉलियंथा रोज ला पेक्यूरेट ने 1875 में, तो ये थोड़े से भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला रिकॉर्डेड रोज परफ्यूम चरक संहिता से मिलता है, चरक संहिता में रोज परफ्यूम के बारे में व्याख्या की गई है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पहली रोज की वैरायटी इंडिया में रिलीज की थी किसने? डॉक्टर एस डी मुखर्जी ने 1935 में, बीके रॉय चौधरी ने वेस्ट बंगाल में, दोनों ने की थी 1935 में एंड वेस्ट बंगाल। फर्स्ट रोज वैरायटी ऑफ डॉक्टर बीपी पाल कौन सी वैरायटी थी? डॉक्टर बीपी पाल ने IRI में, सॉरी IRI में बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल ये रोज की वैरायटी है। पहली रोज वैरायटी रिलीज की थी किसने? रोज सर्बेट ने 1962 में, रोज सर्बेट ने रिलीज की थी। पायोनियर रोज ब्रीडर है इंडिया में हमारे BS भट्टाचार्य जी, तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसे इग्नोर करना। साइंटिफिक रोज ब्रीडिंग डॉक्टर बीपी पाल ने की थी 1958, ये थोड़े अपने इंपोर्टेंट है बिकॉज ये हमारे डायरेक्टर भी रह चुके हैं बीपी पाल जी, तो इनका नाम इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अब रोज इन इंडिया को किसने लिखी है? तो बीपी पाल ने, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बिकपाल सर्वे ऑफ रोज ब्रीडिंग इन इंडिया बुक रिटन बाय डॉक्टर बीपी पाल, तो ये भी बुक सर्वे ऑफ रोज ब्रीडिंग एंड रोज इन इंडिया दोनों ही बुक लिखी है डॉक्टर बीपी पाल ने। टोटल स्पीसीज 120 है, इसको ध्यान मत रखना, डेटा कोई इतना एग्जैक्ट नहीं है, अभी और ज्यादा पढ़ गई होंगी तो इस वाली लाइन को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। जनरली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन रोजेस इज रेडर, रेडर ने रोजेस का क्लासिफिकेशन किया था, वही एक्सेप्ट है, तो ये थोड़ा सा अपना ध्यान रख लेना, बिकॉज साइंटिफिक वाला, साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे पेस्ट एंड डिजीजेस पर, तो चलिए भाई चलते हैं पेस्ट एंड डिजीज पर। सीरियस पेस्ट है हमारे रोज का रेड स्केल, एनीबिलिया ऑरेंटी, डायरेक्ट डिसीज होता है डिप्लोडिया रोजियम के द्वारा, ये वेरी सीरियस डिसीज है रोजेस का, एंड एपियर्स होता है कब? आफ्टर प्रूनिंग, प्रूनिंग के बाद आपका आता है डायबैक डिसीज। ब्लैक स्पॉट डिप्लोकार्पेन रोजी, पाउडर मिल्डू, स्पैरो सिथिका पैनोसा, रोज विल्ट होता है आपका वायरस का, और इसका जो वेक्टर है वो एफिड है,
ये वाली लाइन इन सभी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज इसमें वायरस का एफिड जो वेक्टर होता है ना, वो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद तो सभी रखना है, बट ये थोड़ा ज्यादा याद रखना है। फिर हम चले आगे बात करेंगे वेराइटीज की। तो मुझे नहीं लगता कि वेराइटीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कुछ वेराइटीज की हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट रोज ब्रीडर हैं डॉक्टर बीपी पाल। सर डायरी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है हाँ सर, डायबिटीज से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किससे कंट्रोल किया जाता है रोज पेंट। रोज के डायबिटिक को किससे कंट्रोल किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये कल वाली क्लास में, हाँ कल वाली क्लास रोज में पेंट मैं डाल गया जो इसका मैंने आंसर। ड्यू डेट, हाँ क्या हो गया, हाँ रोज पेंट आंसर आएगा सर इसका। डायबिटिक का कंट्रोल किससे सर किया जाता है, डायबिटिक को रोज पेंट। कंट्रोल करने के लिए रोज पेंट का यूज किया जाता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो रोज हाँ सर पेंट का ये यूज क्वेश्चन किया पूछा हुआ हुआ। है डीडीएम में। हाँ, डीडीएम ये क्वेश्चन आया था। ऐसे सारे क्वेश्चन अपन क्लियर करेंगे, बट अभी थोड़ा मेरे पास एक डेटा आ जाए, 2 से 4 दिन का समय, और फिर ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। कल मैंने मतलब कि जो न्यू डेटा मैंने आप लोगों को फ्लोरिकल्चर में पढ़ाया था, कल वो अपन ले लेंगे पूरा का पूरा डेटा, जो न्यू मैं रिविजन में पढ़ा रहा था, वो डेटा अपन रोज क्राइजेंथिमम वगैरह का सारा वो पढ़ लेंगे, जी और सिर्फ ओनली वन लाइन। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले हो आप सर लोगों को, अपने पास बचे हैं 20 से 25 दिन, 22, और हम इनको लेकर चल रहे हैं ओनली 20 डेज, बाकी सिर्फ ओनली रिवीजन के लिए। ये म्यूट कर लो भाई, कौन है सर यहाँ पे, म्यूट कर दीजिए प्लीज इसको। बीस दिन हम मानकर चल रहे हैं, और इस 20 दिन में हमें इतनी पढ़ाई करना है कि मैं सबसे बोलूंगा सिर्फ फ्लो, मेरी स्क्रीन यहाँ पे क्या पॉज हो चुकी है ना, हाँ भाई क्लियर है सब कुछ। हाँ सर क्लियर है। हाँ हाँ चलो ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि हम जितने लोग डीडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, ओनली 20 डेज हम ओनली देंगे डीडीए को, सिर्फ डीडीए को, सब कुछ भूल जाओ, आगे कौन सा एग्जाम है कौन सा नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे एएफओ हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बट हमें ओनली डीडीए पर फोकस करना है पूरे के पूरे, जब तक 5 नवंबर तक एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, ये पूरा आप डेडिकेट हो जाओ, खाना पीना सब छोड़ के रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ना है, नया डेटा मैं देता जाऊंगा पर डे रिवीजन करना है, बहुत दिन है, इतना ज्यादा भी नहीं देने वाला जैसा आप लोग सोच रहे हैं, बट जो इंपोर्टेंट डेटा है वो तो मुझे देना पड़ेगा। तो फिर IRI की वैरायटीज की बात करेंगे, तो जिनमें पूसा लगा हुआ है सारी की सारी IRI की वैरायटी, बट हम यहाँ पर देखेंगे पूसा मोहित जो है ये हमारा थॉर्नलेस कल्टीवार है, पूसा मोहित थॉर्नलेस कल्टीवार है, तो इसे हम यहाँ पर देखेंगे। पूसा शताब्दी, कोमल, अजय, रंजना, क्रिस्टीना, अरुण, अभिषेक, जितनी याद रख सकते हो रखना, बट इसे तो भूलना ही नहीं, पूसा मोहित थॉर्नलेस कल्टीवार है। आगे चले हाइब्रिड टीज की बात करेंगे, बहादुर, गरिमा, प्रिया, महक एंड गौरव, ये सारी की सारी वैरायटी है हाइब्रिड टी की। फ्लोरिबंडा वैरायटी देख लो, बारामासी जो है वो फ्लोरिबंडा वैरायटी है, ये टॉलरेंट है डाईबैग के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए और ब्लैक स्पॉट के लिए, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये टॉलरेंट है डाईबैग, पाउडरी मिल्ड्यू एंड ब्लैक स्पॉट के लिए। पूसा पीतांबर, जंतर मंतर और बंजारन का क्रॉस है, मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है ध्यान रखना, ये टॉलरेंट है पाउडरी मिल्ड्यू और ब्लैक स्पॉट के लिए, बट डाईबैग के लिए टॉलरेंट नहीं है। तो दोनों ही वैरायटी फ्लोरिबंडा की इंपोर्टेंट है, वैरायटी को छोड़ने की सलाह मैं नहीं दूंगा, याद रखना है। पूसा वियांगना, चलिए ठीक है नो प्रॉब्लम। फ्रेग्रेंस रोज कल्टीवार सिलेक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर यूनिक स्टाम्प, देखो जो जितने भी रोज के कल्टीवार है जो कि फ्रेग्रेंस देते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा उनके लिए एक यूनिक स्टाम्प दिए जाते हैं। तो अभी तक कितनी 4 वैरायटी को ऐसे स्टाम्प दे दिए गए हैं 2007 में,
फर्स्ट पोस्टल स्टाम्प वैरायटी कौन सी थी मेरे डार्लिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली पोस्टल स्टाम्प वैरायटी मृणालिनी। यूनिक सेंटेड पोस्टल स्टाम्प IR किसको, दिल्ली प्रिंसेस भीम और जवाहर, इनको मिल चुके हैं। मृणालिनी, दिल्ली प्रिंसेस, भीम और जवाहर मिलाकर हो गई कितनी, 4। F1 हाइब्रिड रोज, पूसा अरुणिमा, पूसा चंद्राना, पूसा प्रेमा, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंपोर्टेंट है। स्पेसिफिक फीचर देखेंगे कुछ, इंड्यूस म्यूटेशन वैरायटी IRI में न्यू दिल्ली में कौन कौन सी है, अभिसारिका, पूसा क्रिस्टियाना, मलकोश, ये तीनों की तीनों वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी है। और वैरायटी से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा भी मत करना कि पता चले और कुछ याद ही नहीं है। लूज फ्लावर प्रोडक्शन रोज का, नीलांबरी और अरुणिमा, ये दो वैरायटीज हैं जिनसे कि लूज फ्लावर प्रोडक्शन किया जाता है। बंजारन बेस्ट है ये गार्डन डिस्प्ले के लिए, बंजारन है बेस्ट आपकी गार्डन डिस्प्ले के लिए। एक्सोटिक कट फ्लावर वैरायटीज पूरे रीजन के लिए कौन सी, स्काईलाइन, नोबल लेस एंड गोल्डन गेट, बिल्कुल ठीक है, बट स्काईलाइन, नोबल, नोबलीज एंड गोल्डन गेट, ये एक्सोटिक वैरायटी है, ये ध्यान रखना। कहाँ के लिए है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्सोटिक है ये महत्वपूर्ण है। ग्लेडिएटर उसकी वैरायटी है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ग्रोअर्स फॉर नासिक एंड पुणे, तो ये भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नासिक एंड पुणे रीजन के लिए नहीं पूछा जाएगा आपसे। चॉकलेट ब्राउन कलर होता है किस, मोहनी का, और मोहनी जो है वो हमारी एन्यूप्लॉइडी वैरायटी है, मोहनी वैरायटी रोज की है। और कौन सी वैरायटी है, एन्यूप्लॉइडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइपर ट्रिप्लॉइड 2n=22 मोहनी वैरायटी है, एन्यूप्लॉइडी के साथ कौन सी है, हाइपर ट्रिप्लॉइड। मैं हाइपर ट्रिप्लॉइड पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, बार बार मैं यहाँ पर आपको इतना ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है, मोहनी वैरायटी बस ये ध्यान रखना। हाईली फ्रेग्रेंट रोज वैरायटी है रोज शरबेट, सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंस है रोज शरबेट में। मेजर प्रोमिसिंग एक्सोटिक वैरायटी कौन कौन सी, ये तो अपन बता चुके हैं, तो इसको फिर से यहाँ पे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है दोबारा। कट ओवर वैरायटी पूसा गौरव कोई जरूरी नहीं है। सूटेबल फॉर लूज फ्लावर प्रोडक्शन नीलांबरी अरुणिमा हो चुका है। कल्टीवार सूटेड फॉर बस रोज, तो बस रोज के लिए, बस रोज का, बट ये जो वैरायटीज हैं ध्यान रख लेना कि रोज की हैं। वैरायटीज ऑफ रीज, ये फेरी क्वीन एंड मैजिक, ये इंपॉर्टेंट है, फेरी क्वीन एंड मैजिक वैरायटी रॉक रीज के लिए है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। फ्रेग्रेंट ग्रीन हाउस, फ्रेग्रेंट ग्रीन हाउस कल्टीवार कौन कौन से हैं, जेकरांडा, कॉकटेल एंड निफ्टी, तो ये याद रख सकते हैं हम, क्योंकि ये ग्रीन हाउस के लिए कल्टीवार है और इन्हीं को ज्यादा आजकल लगाया जा रहा है, जेकरांडा, कॉकटेल एंड निफ्टी। फिर ये कुछ क्लासेस हैं और क्लासेस की कुछ इंडियन वैरायटीज हैं और वैरायटीज की कुछ फॉरेन वैरायटीज हैं, तो इसको क्या करेंगे अभी हम, इनको रखेंगे हम पेंडिंग पे। अब कौन क्या यहाँ पे बता रहा है भाई मुझे, सुनील 5 नवंबर डेट फिक्स है क्या सर, हाँ सुनील 5 नवंबर भाई, आप, मैं तो ये मान रहा हूँ आप लोगों से एक यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा भाई, डीडी अकाउंट है तो उसने ट्वीट किया, मतलब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, ऐसे हर कोई तो ट्वीट वहां पे कर नहीं देगा, तो मैं उसको लेकर चल रहा हूँ और उसी को लेकर मैं 5 नवंबर तक आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। हाइब्रिडीज इसकी वैरायटीज है, पूर्णिमा, प्रियदर्शनी, अभिसारिका, तो इसको अपन रखेंगे अभी, आप लोग इसको ज्यादा मत पढ़ना, इससे पढ़ेंगे लास्ट, जितना याद रहेगा उतना रखेंगे, नहीं याद रहेगा तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके चक्कर में हम पूरा का पूरा लॉस नहीं कर सकते। सर, हाँ सर, आपने बोला ना पूषा मोहित शायद, हाँ पूषा मोहित और रोजा ब्लांडा दोनों ही थॉर्नलेस है, तो अगर दोनों में से एक सिलेक्ट करना हो तो किसको सिलेक्ट करें, ना कि वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कोई वैरायटी है कोई स्पीशीज है ऐसे। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, या तो आपके दोनों ही ऑप्शन में आएंगी नहीं,
दोनों ही ऑप्शन में आने तो के कोई ग्रुप है चांस ना सर। नहीं, वो ग्रांड गाला की बात नहीं कर रहे हैं, ये मानाजी दास बोल रहा है, वो रोजा ब्लांडा मैंने बताया था ना। दोनों ही थॉर्नलेस रोजा बोले ब्लांडा आपने, एक, पूषा मोहित भी और रोजा ब्लांडा भी। बिल्कुल दोनों बोले ना, तो ये दोनों ऑप्शन आएंगे तो बोल तो ऑप्शन हो पाएगा। पर ब्लांडा तो वैरायटी नहीं है ना सर। हाँ, बट ऐसा इतना ज्यादा डीप में वो नहीं पूछेंगे आपसे, वैरायटी ही पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में वैरायटी ही पूछा जाएगा। मानस ये मुझे नहीं लगता कि वो स्पेसिफिक जो आपका जीनस है यानी कि जो स्पीसीज है वो आपसे पूछ ही जाए, और यदि पूछा जाए तो फिर अपन रोजा ब्रांडा लगाएंगे, स्पीसीज पूछेगा वैरायटी बोलेगा तो फिर मोहित लगाएंगे। हाँ ओके सर, ओके सर। ठीक है, एंड फिर हम चलते हैं ग्रीन हाउस रोजेस की तरफ। तो सूटेबल है ग्रीन हाउस के लिए, कहाँ के लिए? ट्रॉपिकल। भाई सारे लोग अभी, वन सेकेंड, म्यूट कर लिए हैं सारे लोग। सुनील म्यूट करो भाई, म्यूट क्यों नहीं करते हो सुनील तुम? ये देखो यहां से म्यूट हो भी नहीं रहा और ये कर भी नहीं रहा है। सुनील भाई म्यूट करके रखा करो, है ना सुनील? चलो आप कुछ मत कहना, कोई कुछ मत कहना यहाँ पे। चलिए ठीक है, भूपेंद्र मानस शौर्य श्रवणी और सुनील, ना तो यहाँ पे भव्या कुश ज्वाइन है और ना ही प्रतीक्षा, ओनली 5 लोग ज्वाइन हो। अब आप लोग आप देख लो, अब मैं तो यहाँ पर पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बट अब जो लोग नहीं आ रहे हैं वो फिर उनका जाने, नो प्रॉब्लम। फिर हम चलते हैं आगे, बात करेंगे शॉर्ट टूथ डिजाइन। शॉर्ट टूथ सभी लोग जानते हो, शॉर्ट टूथ हैरो की बात भी होती है। तो सुइटेबल ग्रीन हाउस में शॉर्ट टूथ डिजाइन में, यानी कि इस तरीके से इस डिजाइन में शॉर्ट टूथ आपका यहाँ पर वैराइटीज को ग्रो किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ग्रीन हाउस में शॉर्ट टूथ डिजाइन में हम प्लांटिंग करते हैं, हाई टेम्परेचर पॉली हाउस में रिड्यूस करेगा आपका लाइम की एप्लीकेशन को टॉप से, जब हम लाइम को एप्लीकेशन देते हैं। कूलिंग सिस्टम यूज करेंगे, फैन एंड बेड सिस्टम। तो ये तो भाई देखो सिंपल सी बात है, इसको बार बार पढ़ने में टाइम खराब नहीं करना। ऑप्टिमम टेम्परेचर बड स्प्राउटिंग के लिए कितना? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंट नेक टू, अगेन जो ये मैंने फिर भी बताया था आपको बेंट नेक का, कि जो उसका गला होगा यदि यहाँ से हम इसको नेक कर देंगे, थोड़ा सा वहां से बेंट कर देंगे यानी कि तोड़ देंगे, तो ऊपर आपके जो है जितना भी जो ट्रांसलोकेशन होता है वो आपका रुक जाता है, और सीधी सी बात है जब ट्रांसलोकेशन रुकता है तो वहां पे मैच्योरिटी जल्दी से आ जाती है। नहीं तो यदि वाटर इसको प्रोवाइड होता रहेगा ना तो ये मैच्योर जल्दी नहीं होगा, ये हरा ही बना रहेगा, ग्रीन ही बना रहेगा। ग्रीनरी को दूर करने के लिए नेक को बेंड कर देते हैं जिससे कि वाटर ऊपर ना पहुंच सके, अवेलेबल ना हो सके, मैच्योर थोड़ा सा जल्दी होने लगता है। ब्लैकनिंग ऑफ पेटल्स, जब आपकी जो पंखुड़ियां हैं यदि वो काली पड़ने लगे तो क्या होगा? वो लो टेम्परेचर के कारण होती है, और हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का मतलब है ये है कि यदि 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर वहां पर चला गया तो भी काली पड़ेगी पंखुड़ी, ज्यादा हो गया टेम्परेचर तो भी काली पड़ेगी। एवरेज यील्ड इसकी होती है 150 to 350 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर। कलर की बात करें तो रेड कलर, रेड कलर की वैरायटी कौन सी? देखो ग्रांड वाला एंड फर्स्ट रेड। पिंक कलर की किस मोबाइल सोनिया? तो ये जितनी याद हो मैं तो ये कहूंगा कि याद रख लेना, और यदि याद रखते ना बने तो परेशान ना होना, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मटेरियल है बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये हमारा मटेरियल ये जो है ये है टाइम कंज्यूमिंग मटेरियल। जब आपका मन ना लगे या कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब पढ़ना है वैरायटी, क्योंकि इनको सिर्फ एक कथा की तरह पढ़ना होता है ना कि याद करना, बस डेली बेसिस पर जरूर पढ़ते रहना। बेंट नेक तो मैंने बता दिया, ये मैच्योरिटी, ब्लैकनिंग भी बता दिया, एवरेज यील्ड भी बता दिया 150 to 300 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर। फिर आते हैं नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, ये जो है नेशनल फ्लावर है कहाँ कहाँ का? इंग्लैंड का, ईरान का एंड यूके का। स्पेसिंग है इसमें हाइब्रिड टी रोजेज में 75 सेंटीमीटर, फ्लोरिबंडा के 60 सेंटीमीटर, और ये जो 75 है ये है रो टू रो,
ये भी है अभी रो टू रो। प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन 1-3% सुगर में 100-200 ppm HQC यानी कि हाइड्रोक्सीक्विनोलिन सिट्रेट, ध्यान रखना 1-3% सुगर में। ये वाला जो प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन है ना, ये थोड़ा मेन है, इसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ वैराइटीज टेक अबाउट 60-65 days फॉर ब्लूमिंग आफ्टर प्रूनिंग। ज्यादा से ज्यादा वैराइटी जो होती है वो 60-65 दिन लेती है प्रूनिंग के बाद ब्लूमिंग के लिए। इंक्रीज सेल्फ लाइफ क्या करेंगे, पल्सिंग ट्रीटमेंट करेंगे। क्या इंक्रीज होती है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, किससे, पल्सिंग ट्रीटमेंट से। क्वेश्चन आएगा कि पल्सिंग ट्रीटमेंट से क्या इंक्रीज होता है, तो सेल्फ लाइफ। पल्सिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है बहुत ज्यादा सुक्रोज का और जर्मिसाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सुक्रोज में हम जर्मिसाइड मिला देते हैं यानी कि जो जर्म को मार सके, बहुत कम समय के लिए मारता है जर्मिसाइड, उसके बाद तो फिर इसको हम कंसंट्रेशन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। पल्सिंग ट्रीटमेंट क्या है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर में रखना, वो पल्सिंग ट्रीटमेंट है। रोज का जो ऑयल है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसे पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, कोई मतलब नहीं है। मेजर रोज रेसिस्टेंट है किसके लिए, पेस्ट रोज डिसीज के लिए, ठीक है भाई। ब्लूइंग ऑफ रोज प्लांट एक्युमुलेशन ऑफ अमोनिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोज के प्लांट का नीला पड़ना, नीला क्यों पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया उसमें संचित हो जाता है और रोज के लिए अमोनिया काम करता है पॉइजन का, तभी तो कोई इंसान क्या खा लेता है तो नीला पड़ जाता है, ऐसे ही रोज हमारा नीला पड़ जाएगा। रोज की स्पीसीज में 4 फ्लोरेट्स होते हैं, रोजा सेरिया, रोजा सेरिसिया में कितने फ्लोरेट्स हैं, 4 फ्लोरेट्स हैं। कमर्शियल लाइफ ऑफ रोज की कितनी है, 8 साल, यानी कि 8 साल तक अच्छा उत्पादन देता है कमर्शियल तौर पर। मेजर प्रोग्राम है रोज ब्रीडिंग में सीड सेटिंग, इसमें सीड छड़े जाते हैं, सॉरी सीड सेटिंग का मतलब है कि इसमें सीड बनते नहीं, सीड नहीं बनते, तो रोज की ब्रीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यदि सीड नहीं बनेंगे तो कैसे ब्रीडिंग हम वहां पे करेंगे। फिर है पेस्ट और डिसीज, तो ये तो अभी अपन ने बताए थे भाई, ये फिर से मुझे लग रहा है कि हाँ ये सब तो पढ़ चुके हैं। कार्नेशन नेक्स्ट आता है हमारा, कार्नेशन, कार्नेशन का पिक्चर है, आप पिक्चर देख सकते हो। इसे हम डिवाइन फ्लावर भी कहते हैं और गार्डन पिंक फ्लावर भी कहा जाता है। इसका नाम है डायंथस कैरियोफिलस, फैमिली है कैरियोफिलेसी, बिकॉज इसका बॉटनिकल नेम है डायंथस कैरियोफिलस, इसीलिए इसकी फैमिली कैरियोफिलेसी हो जाती है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n=2x=30, इसमें क्रोमोसोम नंबर है। ओरिजन की बात की जाए तो सदर्न फ्रांस, ओरिजन क्या है इसका, सदर्न फ्रांस किसका, यहां पर हम पढ़ रहे हैं आपका डायंथस इन ग्रीक मींस डिवाइन फ्लावर, जो डायंथस है ना इसका मीनिंग है ग्रीक में, क्या मीनिंग है, डिवाइन फ्लावर। कूल सीजन क्रॉप है यानी कि रबी सीजन क्रॉप है। हर्बेसियस हाफ हार्डी पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट, तो जरूरत नहीं है इसकी। कार्नेशन है आपका एलडीपी पौधा है, ठीक है। एलडीपी क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये एक रबी सीजन क्रॉप है। थोड़े से क्लियर है ना, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कार्नेशन को इंडिया में 1980 में, किसने इंट्रोड्यूस किया था, सॉरी किस टाइप की कार्नेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, सिम टाइप की कार्नेशन को। प्रेजेंट डे मॉडर्न कार्नेशन जो है वो सारी के सारी ओरिजिनेटेड है सिम कल्टीवार से, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इसी को इंट्रोड्यूस किया गया तो लोगों ने इसी को अपनाया, किसमें, सिम के रूप में। आइडियल कंडीशन है राउंड डायर कल्टीवेशन के लिए कार्नेशन, कहां पर, तमिलनाडु हिल्स सबसे ज्यादा एंड मिड हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की मध्य वाली पहाड़ियां, तमिलनाडु की हिल्स में सबसे अच्छी कंडीशन है। पूरे वर्ष पर यदि कार्नेशन के पौधे लेना है तो इन दो पहाड़ियों पर जाके बैठ जाओ, तमिलनाडु में रामेश्वर की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश में भी शंकर जी की पहाड़ी, दोनों ही रिलेटेड है। ऑप्टिमम टेम्परेचर स्टैंडर्ड कार्नेशन के लिए कितना, 18-23 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन के लिए 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड। दो प्रकार की कार्नेशन होती है, या फिर मैं यूं कहूं कि दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, कार्नेशन से ही मतलब नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड क्राइजेंथिमम भी होता है, स्प्रे क्राइजेंथिमम भी होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक स्प्रे
एक होता है स्टैंडर्ड। इस स्प्रे में हम मैनी फ्लावर्स का प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे फ्लावर, इसीलिए इनका साइज बहुत छोटा होता है, क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। स्टैंडर्ड में ओनली वन फ्लावर, एक बिग फ्लावर, बहुत बड़ा फ्लावर यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है वो आपकी ट्रांसफर इधर हो जाती है। तो स्टैंडर्ड कार्नेशन का मतलब क्या है कि एक बड़ा फूल प्राप्त करना। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में कार्नेशन का जो प्लांट है उसे सेड चाहिए होता है, छांव होना चाहिए, सेड नेट्स का हम उपयोग करेंगे 25-50%, यानी कि हम ये कहें कि यदि हाफ स्थान पर, हाफ प्लेस पर उसे छाया चाहिए होती है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे क्वालिटी फ्लावर पैदा होंगे। इसके इनफ्लोरोसेंस को क्या कहेंगे? स्पाइक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पिंक कार्नेशन का नेम क्या है? डायंथस प्लूमेरिस। चाइनीज ओरिएंटेड पिंक हैव कम फ्रॉम डायंथस चाइनेंसिस, ओरिजिन चाइना। जो चाइनीज और इंडियन पिंक कार्नेशन है उनका ओरिजिन क्या माना जाता है? चाइना, और जिसका नाम है डायंथस चाइनेंसिस। स्टैंडर्ड कार्नेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, वन लार्ज फ्लावर ऑन अ सिंगल स्टेम, लार्ज स्केल कल्टीवेशन। मोर डिमांड इन इंडियन मार्केट स्टैंडर्ड कार्नेशन। इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? स्टैंडर्ड कार्नेशन की, ना कि स्प्रे कार्नेशन की। तो ये थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना। आगे चले भैया, आगे बात करेंगे पिगमेंट इन फ्लावर। इसके फ्लावर में भी पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से? देखो, ए साइनिक ग्रुप पिगमेंट है तो इसके कारण कलर होता है व्हाइट एंड येलो, साइनिक के कारण रेड, सालमन एंड लेवेंडर पिंक, एंड ट्रांजिशन ग्रुप है। फिर से चलिए भैया, टाइम यहाँ पे फिर से और जल्दी समय यहाँ पे निकल रहा है, क्या बात है। 10 मिनट फिर बचे हुए हैं। क्रिप्शन का कलर होता है आपका ट्रांजिशन ग्रुप के कारण। स्प्रे कार्नेशन का मतलब है सेवरल स्मॉल फ्लावर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और पॉपुलर है यूएसए में, ये जरूर ध्यान रखना। स्प्रे कहाँ पे? यूएसए में, एंड स्टैंडर्ड कहाँ पे? हमारा इंडिया में। स्वीट ब्लियम, जो स्वीट ब्लियम है इसे ही हम कार्नेशन कहते हैं। देन डायंथस बार्बिटस कमर्शियली ग्रो किया जाता है सीड के पर्पज से। पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड डेवलप आपका कार्नेशन में ही किया गया था, जिसे कि हम थॉमस फेयरचाइल्ड ने किया था, और फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से जानते हैं। 1717 में कार्नेशन और स्वीट ब्लियम का क्रॉस इन्होंने कराया था। कार्नेशन और स्वीट ब्लियम का क्रॉस क्यों कराया गया था आपको पता है? क्योंकि इनके जीनस क्या थे? सेम थे। जीनस सेम होने के कारण ही तो क्रॉस हुआ था कार्नेशन और स्वीट ब्लियम का, नहीं तो नहीं हो पाता उस टाइम पर। तो कार्नेशन को फिर हमने 4 प्रकार से क्लासिफाइड किया हुआ है, एनुअल, सीड प्रोपेगेशन, फ्यूज पेटल, लो सेल्फ लाइफ, ओसी टाइप, सिमेट्रिकल फ्लावर, ये तो इसे रहने दो। कार्नेशन टाइप जो मैं छोड़ रहा हूं उसे छोड़ना ही है, नहीं तो आप लोग होशियारी के चक्कर में पढ़ने लगो। ओरिजिन ड्राइव फ्रॉम परपेचुअल कार्नेशन, इसका क्या किस किस का क्रॉस है? कैरियोफिलिस एंड चाइनेसिस का, मार्गरेट्स का है, चाइनेसिस एंड कैरियोफिलिस का। देखो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, थोड़ा सा एग्जाम में चेंजेस होगा और अपन वहां पे मार्क खा जाएंगे, इसलिए दोनों अच्छे से पढ़ना। रॉयल कार्नेशन किसका है? माल्मेजोन एंड परपेचुअल। माल्मेजोन टाइप किसका है? सीडलिंग है ये परपेचुअल कार्नेशन का, तो ये इसे ध्यान में रखना क्योंकि ये किसी का क्रॉस नहीं है। येलो कार्नेशन डायथस नेपी का नाम है, वाई कार्नेशन का नाम है डायंथस प्लूमेरिस, और ये डिप्लॉयड होता है जबकि ये आपका हेक्साप्लॉयड है, तो ध्यान रखना व्हाइट कार्नेशन जो मैंने आपको फ्लावर बताया था ये आपका हेक्साप्लॉयड है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पिंक या फिर चाइनीज पिंक, डायंथस चाइनीसिस इसका नाम है, ये टेट्राप्लॉयड होता है, और जापानीज पिंक भी हम इसे कहते हैं, आइदर टेट्राप्लॉयड या हेक्साप्लॉयड। डायंथस है आपका ग्रेट येलो प्लांट्स, ये आपका हेक्साप्लॉयड है, या तो हेक्साप्लॉयड हो सकता है या फिर टेट्राप्लॉयड, तो इतना ज्यादा इसे ध्यान मत रखना, बट वाइट को ध्यान रखना, ये हेक्साप्लॉयड होता है। आगे चले हम बात करें मेजर वर्क ऑफ कार्नेशन इंप्रूवमेंट। यूएसए एंड फ्रांस, कहां पर होता है? यूएसए में और फ्रांस में। पायनियर कार्नेशन ब्रीडर है हमारे मॉन्टेग्यू ऑलवुड। पॉपुलर कार्नेशन टाइप इंडिया में कौन सा है? क्लोव सेंटेड मार्गरेट कार्नेशन, ये सबसे पॉपुलर है हमारे इंडिया में। मार्गरेट टाइप ऑफ कार्नेशन जनरली विंटर एनुअल में ग्रो किया जाता है। स्प्रे कार्नेशन टॉलरेट करता है स्लाइटली वार्मर टेम्परेचर को,
जो स्टैंडर्ड कार्नेशन है वो टॉलरेट नहीं करेगा अधिक टेम्परेचर को, जबकि स्प्रे टाइप थोड़ा सा टॉलरेट करता है। परपेचुअल कार्नेशन, स्टैमेंस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेटलॉइड्स। अब इसका क्या मतलब है, जो परपेचुअल कार्नेशन होते हैं ना उसके जो स्टैमेंस होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं किसमें, पेटलॉइड्स में। सिंगलनेस फ्लावर इज कंट्रोल्ड बाय इनकम्प्लीट रिसेसिव जीन। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कार्नेशन में जो सिंगलनेस पाई जाती है फ्लावर में वो किसके कारण होती है, वो होती है एक आपकी इनकम्प्लीट रिसेसिव जीन के कारण, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही एलील वहां पर प्रेजेंट होता है। डबलनेस फ्लावर किससे होती है, मोनोजेनिक डोमिनेंट जीन। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ये इसे याद रखना, इनकम्प्लीट रिसेसिव जीन सिंगलनेस एंड मोनोजेनिक डोमिनेंट जीन डबलनेस। आगे चलें बात करें प्रोपेगेशन की, तो माइग्राइट या एनुअल कार्नेशन इज प्रोपेगेटेड बाय सीड। ये किसके द्वारा प्रोपेगेट होता है, सीड के द्वारा। परपेचुअल या एनुअल कार्नेशन प्रोपेगेट होगा स्टेम रिंग के द्वारा। फॉर एनहांसमेंट ऑफ रूट फॉर्मेशन क्या करेंगे, NAA इसमें हम यूज करेंगे कि इसमें रूट की फॉर्मेशन हो। IBA यहाँ पर यूज नहीं कर रहे, ध्यान दो, IBA के स्थान पर NAA यूज कर रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 500 ppm का यूज करेंगे क्विक टिप मेथड से। सीड प्रोपेगेशन टाइप मैलेट एंड चोबा टाइप तो नहीं है मतलब हमें इससे। स्पेसिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड कार्नेशन में 20x20, स्प्रे में 30x30। थोड़ा ध्यान देना, स्टैंडर्ड में 20x20 इसलिए क्योंकि एक स्टेम पर एक फ्लावर चाहिए, स्प्रे में ज्यादा इसलिए क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस होंगी और बहुत सारे फ्लावर वहां पर हमें चाहिए होते हैं। स्पेशल प्रैक्टिस की बात करें तो ग्रीन हाउस का डायरेक्शन रखेंगे नॉर्थ साउथ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन हाउस का गटर डायरेक्शन रखेंगे ये भी नॉर्थ साउथ में। पॉलिथीन की थिकनेस रखेंगे 200 माइक्रोन। कार्नेशन की क्रॉप को सपोर्ट चाहिए होता है 4-5 लेयर का सपोर्ट मटेरियल, यानी कि हम उसमें तार वगैरह बिछा देंगे इस तरीके से, 5 लेयर वहां पर लगा देंगे और इनमें सारे के सारे फ्लावर को चढ़ा देंगे। बेस्ट सपोर्ट मटेरियल होता है मेटल का वायर, किसी धातु का वायर से काम चल जाएगा। अनपिंच्ड दिसमैन स्टेम प्रोड्यूस फ्लावर कॉल्ड क्राउन फ्लावर। जो अनपिंच्ड होता है जिसपे कि हमने पिंचिंग ना किया हो और मेन स्टेम पर जो फ्लावर आता है उसे कहते हैं क्राउन फ्लावर, यानी कि वो पूरे के पूरे प्लांट का ताज होता है। सीधी सी बात है, मेन स्टेम पे है तो ताजी हम उसे कहेंगे। आगे चले बात करें पिंचिंग और स्टॉपिंग, तो पिंचिंग को ही स्टॉपिंग कहते हैं। हम कहते हैं ये एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है क्योंकि हमें क्वालिटी कार्नेशन पैदा करना है, तो ये लाइन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सब जानते हैं हम। रिमूव क्या करें, हेड ऑफ दी, ये बहुत बार बता चुका हूँ, बिल्कुल भी कुछ मत करो। एनहांस द मोर नंबर ऑफ साइड रूट, इसे बिल्कुल मत पढ़ो क्योंकि पूरे का पूरा वही पिंचिंग है। पिंचिंग शुड बी डन एट 6 नोड, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट, कार्नेशन में पिंचिंग का होती है 6 नोड के नीचे। सिंगल पिंचिंग मेथड करेंगे क्योंकि अर्ली क्रॉप चाहिए। पिंचिंग एंड हाफ, यानी कि आधा उसे पौधे को भी हम हटा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रीफ्लावरिंग का चाहिए, तो पिंचिंग एंड हाफ करेंगे। सिंगल पिंचिंग यानी एक ही बार पिंचिंग करोगे तो अर्ली क्रॉप हम उससे चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कार्नेशन एंड रोज खत्म। बहुत सारी स्लाइड पढ़ ली है और आज 80 मिनट लेक्चर हो चुका है और 3 मिनट ओनली बचे हैं, तो अब इसके बाद और क्रिएट तो नहीं करना लेक्चर के, करना है बता दो मुझे यहाँ पे। कल पढ़ोगे, ठीक है, अब कल पढ़ेंगे ना, कल जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे और कौन चला गया अभी, एक अपने 5-4 ही लोग बचे हो, श्रवणी, सुनील, मानस और शौर्य भानु, बाकी तो भाई चले गए हैं, भव्य खुश भी चले गए हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, इस सेशन को मैं करता हूँ अब यहाँ पे एंड और फिर मिलेंगे अपन कल फिर से। कल भी 2 क्लासेस तो होना ही है, हो सकता है कि 3 क्लासेस हो जाएं, भूपेन गुर्जर भी यहाँ पे बने हुए हैं वैसे तो। हाँ चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।